सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मेरे लिए ये अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना के नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना के गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। वहीं इस पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पद पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार है। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं, और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्रहितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद।